रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर दी। सभी टीचर्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, और शायद आप कल से आ जाओ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो कल सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ में सभी गर्ल्स की भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहले तो टाइम जो है वो आपका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गूगल मीट है तो हम 8 o'clock का लेक्चर है और 8:15 को ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसा नहीं। 7:30 to 12:30 आपका लेक्चर्स है आपके स्कूल टाइमिंग में, तो 7:30 पर आपको पहुंच जाना है स्कूल पे। आपकी असेंबली होगी आपके क्लासरूम में ही, असेंबली में नहीं जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, डायरेक्ट जो आपके क्लास टीचर होंगे वो आपको लेके आएंगे फिफ्थ फ्लोर पर आपके क्लासरूम में, और उसके बाद में डायरेक्ट लेक्चर शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी कि टाइमिंग जो है वो पंक्चुअलिटी से आपको अटेंड करना है, ठीक है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है कि जब भी आप स्कूल पे आओ तो कंप्लीट यूनिफॉर्म पहन के, कंप्लीट मतलब कंप्लीट शूज, आई कार्ड, सब कुछ आ गया उसमें, ठीक है, कंप्लीट यूनिफॉर्म के साथ आप स्कूल पे आओ। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि चार चीजें आपको लेके आनी है साथ में, वाटर बॉटल, सैनिटाइज, मास्क एंड ब्रेकफास्ट। ये चारों चीज आपको अपनी खुद की लेके आनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम वाटर बॉटल और ब्रेकफास्ट तो लेके ही आते हैं, COVID-19 के हिसाब से हमको अब सैनिटाइजर की बोतल और उसके साथ साथ में हमको मास्क भी लेके आना है, और मास्क पहनना है, खाली लेके नहीं आना है। कल मैं जब लेक्चर स्टार्ट करूं तो अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो मैं डायरेक्ट उसको डांट दूंगा, फिर बोलना मत कि सर पहला लेक्चर था और हमको रुला दिया, ऐसा मत करना। इसलिए अभी से सब इंफॉर्मेशन आप जो भी फ्रेंड्स है एक दूसरों को शेयर कर देना, कंपलसरी आपको मास्क पहन के बैठना है क्लासरूम में, सैनिटाइज की बोतल, तो सैनिटाइज की बोतल तो उसका मतलब ये नहीं कि हर 2 मिनट पे आप सैनिटाइज करो, नहीं। मान लो कि आप वॉशरूम में गए, ब्रेक हो गया, हमारी बेंचेस खराब थी, उसको साफ किया हमने, तो ये सब जगह पर हमको सैनिटाइज यूज करना है। सैनिटाइज की बोतल आप लेके आओ तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम 2-2 मिनट पे निकाल के बस सैनिटाइज करते रहे, नहीं, ऐसा कभी करना भी मत। और जैसा मैं क्लासरूम में लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बोल देता हूँ कि मेरे क्लास में वाटर बोतल का यूज नहीं करना, मैं जब बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको तब प्लीज, आप सबको भी बोल रहा हूँ, आप सब क्योंकि नए हो मेरे क्लास, आज तक आपने कभी अटेंड नहीं किए, कल पहला लेक्चर आप मेरा अटेंड करेंगे। तो मैथ्स में स्पेशली जब भी हम बोर्ड पर कुछ वर्क कर रहे हो तो हमको वाटर बॉटल का यूज नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, और एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर वो क्वेश्चन है ना वो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वाटर बॉटल और उसके साथ साथ में अभी मैं ऐड कर देता हूं आपको सैनिटाइज की बॉटल। वाटर बॉटल और सैनिटाइज की बॉटल का आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है जब भी आपका लेक्चर शुरू हो। लेक्चर खत्म हो, एक टीचर बाहर जाए, दूसरा टीचर अंदर आए, उतने टाइम में आपको पानी पीना है तो पानी पी लो, सैनिटाइज करना है तो सैनिटाइज कर लो, लेकिन शुरू लेक्चर पर, ड्यूरिंग द लेक्चर, आपको ये कुछ नहीं करना है। ये बात अपने माइंड में खास रखना आप सब। तीसरी बात कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक लेके आना, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक हम आज ही लेने जाए और लेके आए टेक्स्ट बुक, ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है। चौथी बात, फेयर नोट में मैंने इसके पहले एक लेक्चर में बताया था कि सैम 1 की जिसने भी लिखी हो ना लिखी हो कोई बात नहीं, सैम 2 की फेयर नोट जो है ना वो आपको कंप्लीट करनी है। और सैम 2 में हमने कितने चैप्टर अब तक कंप्लीट किए, तो कि FA3 में हमने कंप्लीट किए थे 3rd और 12th चैप्टर, FA4 में कंप्लीट किए आपके 5th और 13, और SA2 जो फाइनल एग्जाम है उसमें हमने 10th चैप्टर कंप्लीट किया।
इलेवेंथ चैप्टर अभी कंटिन्यूअस है, रनिंग चैप्टर है, जस्ट खाली कंसेप्ट क्लियर किया है। आज कुछ कराना नहीं है क्योंकि आज हम करेंगे तो एक दो क्वेश्चन होंगे और कल फिर से वही मुझे एक्सप्लेन करने होंगे। तो आज खाली मैं आपको सब इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आपके डाउट सब क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या होगा कल, ठीक है? फिर हम कल इंशाल्लाह इलेवेंथ चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये कितने चैप्टर, कौन कौन से, 3, 5, 10, 12 और 13, ये 5 चैप्टर जो है, 3, 5, 10, 12 एंड 13 विद इन अ वीक। थर्सडे को कल हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट थर्सडे में आप सबकी फेयर नोट चेक करूंगा ये 5 चैप्टर की। तो प्लीज अभी भी किसी को बाकी है फेयर नोट तो फेयर नोट कंप्लीट कर देना, भूलना मत। बहुत सारी ओके गर्ल्स ऐसी होगी कि कल जो लेक्चर में आएंगे तो कल ही बुक दे देगी, सर हमने लिख लिया है 5 चैप्टर, तो वो अच्छी बात है। लेकिन जब क्लासरूम हैंडल करते हैं तब हमको पता चलता है कि नहीं, ऐसी गर्ल्स जो होती है कि जिसने सब कुछ कंप्लीट कर दिया वैसी 5 या 10 ही होती है, बाकी सबको टाइम देना पड़ता है। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 वीक का। कल भी मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि नेक्स्ट थर्सडे को ये 5 चैप्टर की फेयर नोट मैं चेक करने वाला हूँ, तो लेके आना, ठीक है? तीसरी बात कि डाउट सॉल्विंग जो भी होगा आपका वो सब कुछ क्लासरूम के अंदर ही होगा, भले मुझे कितनी बार एक्सप्लेन करना पड़े। डाउट सॉल्विंग मैथ्स में सबसे ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि आप रीड करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कोई मुझे इंडिविजुअल डाउट या ब्रेक में या मैसेज में या फोन पे के कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ छोटी मोटी बातें तो हम कर देंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करना है और क्वेश्चन भी क्लियर करना है तो उसके लिए आपको क्लासरूम के अंदर ही सब कुछ सॉल्व करना होगा। एंड वी हैव इनफ टाइम फॉर दिस एवरीथिंग, ऐसा मत समझना कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। जून में आपका 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा तब तक हमारे पास कंप्लीट टाइम है, उसमें थोड़ा सा वेकेशन निकाल दो, वेकेशन बहुत ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि 11th महीना आप तो वेकेशन करके आए हो, तो वेकेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, होगा भी तो 10-15 दिन का होगा, ठीक है? तो वी हैव 3 to 3.5 months फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 8। तो कैसे भी करके सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, वो तो गूगल मीट होता फिर भी हो जाता क्योंकि अब कुछ बाकी नहीं है। 11th चैप्टर जो आपका रनिंग है, मैं आपको बताऊं कि मेरी कैलकुलेशन वाइज 11th चैप्टर आपका मैक्सिमम 28 फेब तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद में हमारे चैप्टर बाकी रहते हैं 14, 15, तो ये दोनों चैप्टर को मिला के हम 15 मार्च तक खत्म कर देंगे। और उसके बाद में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वो भी चैप्टर हमको करना है, तो वो चैप्टर हम मैक्सिमम 25 मार्च तक खत्म कर देंगे। तो 25 मार्च का तो हम तो कैसे भी करके सिलेबस खत्म कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई और कुछ बचा ही नहीं है। फिर हमको क्या करना है, फिर रिवीजन करना है। किसका रिवीजन, सेम 2 का। सेम 2 में कौन कौन से चैप्टर थे, तो सब लिखे हुए आपके सामने, उसी सब चैप्टर के हम रिवीजन करेंगे और उसमें से ही हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर किसी को डाउट नहीं होगा तो पहले हम रिवीजन कर लेंगे एक एक चैप्टर का, उसके बाद में मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन या फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। एक एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे जैसे हम लाइव बोर्ड में अभी कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसी फ्लो में हमको जाना है। बस खाली चेंज खाली इतना हुआ है कि जो आप ऑनलाइन में नेटवर्क इश्यू होता था या फिर मान लो कि आप जल्दी से उठ नहीं पाते थे, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि जब भी ऑनलाइन लेक्चर हो, 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे एग्जैक्ट आप ज्वाइन कर दो, लेकिन नहीं करते थे आप सब। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो कराने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी। लेकिन स्कूल मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं कि स्कूल इज नॉट फॉर ओनली एजुकेशन, स्कूल जो है वो खाली एजुकेशन के लिए नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन के साथ में आपको डिसिप्लिन भी मिलती है और वही डिसिप्लिन आगे जाके काम लगती है। एजुकेशन आपको लेना हो ना तो मैं मानू तब तक आप सब में से कोई ना कोई ट्यूशन क्लासेस में अब तक गया ही होगा,
लेकिन ट्यूशन क्लासेस में आपको डिसिप्लिन नहीं मिलती है, खाली एजुकेशन मिलता है। और स्कूल में आपको एजुकेशन के साथ साथ में डिसिप्लिन भी मिलती है। तो इसलिए ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको कंपलसरी फॉलो करनी है। और अगर आप ये सब इंफॉर्मेशन जो मैं अभी बोल रहा हूं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी कुछ पनिशमेंट भी हो सकती है, क्योंकि एक ही रास्ता होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो कराने का, वो रास्ता है पनिशमेंट। और पनिशमेंट ऐसी तैसी नहीं होगी, मैं सच बता रहा हूँ। स्पेशली मैथ्स में मैं कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं, तो चल क्लास के बाहर जाके बैठ जा, तेरे पेरेंट्स को लेके आ। मैं डायरेक्ट पनिशमेंट देता हूँ कि 2 टाइम्स ये चैप्टर कर देना, ये चैप्टर 3 टाइम्स कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पनिशमेंट की पनिशमेंट भी मिल जाएगी। तो मैथ्स में मेरा ये फंडा रहता है कि पनिशमेंट ऐसी दो कि जिससे भी कोई लड़का या लड़की का बेनिफिट हो, और बेनिफिट तभी होगा जब उसकी प्रैक्टिस करके आप देंगे। ठीक है, तो ये सब बातें मैं इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि कल हमारा टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी बात कि क्लासरूम में एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आपके लिए जो प्लेस डिसाइड किए उसी प्लेस पर बैठें, एक दूसरे को टच मत करें, नहीं करना है, क्योंकि COVID-19 जो है वो खुद ही टच स्क्रीन ये है। तो टच स्क्रीन के कारण अगर हम एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, तो पता नहीं कि क्या हो सकता है। अभी आपने थोड़े दिन पहले ही न्यूज में जो सुना होगा, 2-3 दिन पहले की बात है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो कोविड पॉजिटिव पाए। तो अगर चीफ मिनिस्टर को भी जो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हम सब क्या है, हमको भी होगा अगर हम प्रिकॉशन नहीं रखेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम भी क्लासरूम में किसी को टच मत करें। जो भी प्लेस आपकी डिसाइड की हुई है, जिस तरीके से बेंच रखी हुई है, उसी तरीके से आपकी अरेंजमेंट की है, उसी अरेंजमेंट पर आपको बैठना है। ऐसा नहीं कि क्लासरूम में आए और कहीं पर भी आप आके बैठ गए और बेंच बेंचेस इधर उधर कर दी, नहीं। जो अरेंजमेंट आपके क्लासरूम में की हुई है उसको जरा सा भी चेंज नहीं करना है। क्लियर हो रही सब बात आपको कि नहीं? यस सर, ठीक है। और रिवीजन और प्रैक्टिस के बारे में थोड़ी बात कर दूं, तो मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है कि ऑनलाइन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उन सभी प्रॉब्लम्स के कारण हम कभी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, या फिर लेक्चर अटेंड कर रहे थे लेकिन सर का वॉइस कट हो रहा था, नेटवर्क इश्यू था, मोबाइल नहीं था, चार्जिंग नहीं था, उठ नहीं पाई मैं। ये सब जो भी आपके रीजंस थे, उन रीजंस का सॉल्यूशन एक ही है कि हम रिवीजन और प्रैक्टिस करें जो भी चैप्टर हमने अब तक ऑनलाइन में कर लिए। तो ये 5 चैप्टर जो है, 3rd, 5th, 10th, 12th एंड 13th, ये 5 चैप्टर का हमको रिवीजन भी करना है। तो 25 मार्च to April हम पूरा रिवीजन ही करेंगे, तो जिससे कि आपको पूरा बेस क्लियर हो जाए। दूसरी बात, हर बच्चों को मुझे ये बोलनी पड़ती है कि 8th स्टैंडर्ड जो है वो फाइनल ईयर है आपका प्राइमरी का। इसके बाद में आप जाएंगे सेकेंडरी एजुकेशन में, हाई स्कूल में जाएंगे। तो ऐसा मत समझना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरीके से आप प्राइमरी में वर्क कर रहे हो वैसे ही आपको सेकेंडरी में वर्क करना है, नहीं, बिल्कुल मत समझना, ये बिल्कुल गलत है। सेकेंडरी एजुकेशन में जब जाएंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि नहीं, उससे अच्छा तो प्राइमरी था। इतना टफ सिलेबस होता है कि आज मुझे ही पकड़ लो आप कि 8th और 9th का मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बॉयज में, तो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स मतलब कुछ नहीं है, और उसकी जगह पर 9th का मैथ्स आप देख लो, पूरा जियोमेट्री से भरा हुआ है। और ये बातें अभी नहीं आपको समझ में आएगी, जब आप 9th में आएगी और टीचर बोलेंगे ना कहीं के भाई हाँ चलो मैथ्स यहाँ पर टफ है, तब जाके आपको पता चलेगा। दूसरी बात, अभी तो आप सेमेस्टर सिस्टम में चल रहे हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट में चल रहे हो, तो 2 चैप्टर कर लिए उसकी टेस्ट दे दी, 2 चैप्टर कर लिए उसकी टेस्ट दे दी, समेटिव असेसमेंट कंप्लीट हुआ आपके चैप्टर भूल गए।
सैम वन के चैप्टर कोई पूछने वाला नहीं है आपको स्टैंडर्ड 8 में। 9th में ऐसा नहीं होगा। 9th में आपको एनुअल एग्जाम देनी है होल सिलेबस की कंप्लीट। तो उसके लिए अब कुछ ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हमको सिस्टम चेंज करनी है तो वो सिस्टम चेंज करने में टाइम लगता है। तो जितने भी आप मैच्योर हो उससे कहीं ज्यादा आपको मैच्योर होना पड़ेगा। और उसी के लिए ये जो 3 4 महीने है ना, ये आपको एक ऐसा समझ लो कि वो रोड मैप क्लियर करके देते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में जब आप आएंगे तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम। तो उसके लिए हम रिवीजन और प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे ये 5 चैप्टर की। यहाँ तक मैंने तो बात की हुई है। मैथ्स के लिए तो मैं ऑलवेज प्रेजेंट रहता हूँ कि अगर कोई बच्चा मुझे ऐसा बोल दे कि सर मुझे ये चैप्टर में डाउट है, या कोई ग्रुप आके बोल दे कि सर ये चैप्टर में डाउट है, तो मैं 2 3 लेक्चर भले ही सेम वन का चैप्टर हो मुझे एग्जाम में नहीं पूछना है। और आप लोग अभी तक मुझे मिले नहीं हो, कल मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे ना, मैं आपको सबसे पहले ये बात क्लियर करूंगा कि मैं जब भी पढ़ा रहा हूं तो मेरा कभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ही होगा कि कैसे भी करके ये सब बातें आप सीखो। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये एग्जाम में ये आएगा उस तरीके से मैं पूछ सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ। हाँ एग्जाम एक है, लेकिन एग्जाम से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू का एक पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से रिवाइज करना है या सॉल्व करना है कि ताकि आप 9th में 10th में 11th 12th अगर साइंस लेते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात सबको? यस ठीक है, अब आपके मन में अगर कोई डाउट है कल के रिलेटेड तो पूछ सकते हो आप सब। कोई डाउट नहीं है? नो सर ऐसा थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ डाउट निकलेगा। कुछ ना कुछ डाउट तो होगा ही, 100% होगा। सर पेट अलाउड है पेट है? अलाउड है नहीं समझ अबे समझ में नहीं आई बेटा, बोल तो फिर से। जी अरे कैट्स अलाउ है ऐसा क्या अलाउड है? मैं नहीं समझा अभी कैट बिल्ली भी। बिल्ली बिल्ली अच्छा, तो वो तो वहां लेके आ सकती है, तेरे बैग में रखना, उसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम ओके सर है ना, तेरे बैग में रख सकती है। शराफत या सर तो फिर का मैं नाम तुझे, दे हाँ देना सर को ओके सुन, हमारा जो लेक्चर टेबल होता है कि नहीं, ठीक है, हाँ वहां पर ओके नीचे जो बॉक्स है ना वहां पर डाल देना, वहां पर कोई नहीं देखेगा। ओके सर वो वहां से बाहर आ जाएगी तो ओके हाँ नहीं आएगी, वो सर भी तो उसको भी पता है कि शराफत सर का लेक्चर अभी बाहर नहीं आना है, इसके बाद में आएंगे, वो पड़ी रहेगी अंदर ही। फिर बाहर निकल गई तो आपका नाम आएगा इसलिए नहीं, वो बाहर नहीं आएगी, उसको पता है ना कि सर का लेक्चर अभी नहीं आना है। ठीक है, तो 2 3 बातें आप खास ये ध्यान में रखना, सब कुछ लेके आना, कंप्लीट यूनिफॉर्म में आना, टाइम पे पहुंच जाना, फेयर बुक अभी भी जिसकी इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना शुरू कर देना। नेक्स्ट थर्सडे को मैं फेयर बुक चेक करूंगा, ठीक है? और फेयर बुक का मतलब ये नहीं है कि हम खाली कॉपी पेस्ट करें, ये अपने माइंड में रखना आप सब। सर वी हैव टू डू दैट 10.2 इन अ फेयर बुक हाँ, 10.1 में जो आपका जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल व्यू है ना, वो आपको खाली बस आइडेंटिफाई करना है, उसको ड्रॉ नहीं करना बट सर इन 10.2
अच्छा 10.2 में नहीं, 10.2 भी खाली आपको जो ब्लैंक शीट है ना A4 साइज की, जो हमारे जो रेगुलर पेजेस होते हैं ना, ठीक है, उसी में ब्लैंक पेज में आप खाली ड्रॉ कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। ओके सर, ओके सर। क्लास फिर बताओ, और किसी को डाउट? सर टुमारो यू आर हैविंग योर लेक्चर? फर्स्ट या लेक्चर है सर? फर्स्ट ओ अच्छा, लेक्चर है मेरा, कल तो मैं देखता हूँ कि कौन टाइम पे आता है, मुझे तो वो देखना है। कोई लेक्चर में टाइम पे क्यों नहीं आता था, ऑनलाइन लेक्चर में वो बात पता नहीं। सर मैंने वी कैन बोला वेव ना फाइव कि ये है ना, टू फाइव जो हमने इनवर्स रिलेशन देखा था, सही है, इनवर्स रिलेशन हमने 13 चैप्टर में देखा था, डायरेक्ट ऑन इनवर्स, ठीक यस, है। तो इनवर्स मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पनिशमेंट्स आर इनवर्स रिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अच्छे से निभाएंगे ना तो समझ लेना कि आपकी पनिशमेंट जीरो हो जाएगी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो गई तो पनिशमेंट समझ लेना कि वो हाई हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन लेक्चर में क्या हो रहा था कि ऑनलाइन लेक्चर में हमारा कनेक्शन ही खाली एक मोबाइल था, इसलिए कुछ पनिशमेंट नहीं दे सके, और पनिशमेंट नहीं दे सके उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सबने नहीं कंप्लीट की। बाकी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अगर मान लो कि आज मेरा लेक्चर है आपके क्लास में 8 o'clock को, और मैं 8:15, 8:20, 8:25 को मैं ज्वाइन हूं और बोलूं कि सॉरी सर आज लेट हो गया, आप सबको ऐसा बोल दो तो क्या आप सब लेक्चर में आएंगे? नो हम सब टीचर स्कूल पे 7:45 को आ जाते थे, 8 o'clock पे हम सब गूगल मीट शुरू करके बैठ जाते थे। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर हम 8-9 महीने, अगर आप है ना, आपके टीचर्स कैसे हैं ना उसके बारे में अगर बात करूं ना मैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई क्या टीचर है ये सब, कितने टीचर ऐसे हैं कि उसको एंड्रॉइड मोबाइल क्या है वो यूज करना पता नहीं था, लेकिन किस तरीके से वो गूगल मीट पर कितना मैनेज करके कितनी ट्रेनिंग लेकर वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको तो बस आपकी नींद प्यारी है, आपको तो बस सोना है खाली और कुछ नहीं करना है। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। खैर जो भी हो वो ऑनलाइन का, अब ऑफलाइन में अच्छे से आप सब ध्यान दो, वैसी मैं दुआ भी करूंगा आप सबके लिए, आप भी मेरे लिए दुआ करना कि अच्छे से हम जो है एक बोलते हैं ना हिस्टोरिक मोमेंट जो हमारे पास आ रही है कल के दिन, उसको अच्छे से हम निभाएं, मैं भी और आप सब भी, सही है। यस सर, वी हैव टू वेयर फ्री ड्रेस? हाँ, फ्री ड्रेस का मैंने रचिता मैम को पूछा था, मैम ने बोला है कि अगर 1-2 दिन में कोई यूनिफॉर्म में चेंजेस है आपके तो 1-2 दिन चलेगा, ठीक है, फिर नहीं चलेगा, फिर आपको कंपलसरी शूज आई कार्ड सब कुछ लेके आना है, सब कुछ कंप्लीटली। अरे नहीं, मीन्स वी हैव बनाने देने का है यूनिफॉर्म? नहीं समझा नहीं मैं, फ्री ड्रेस का पूछा ना तूने? हाँ, फ्री नो ड्रेस मैम, इफ ने वी आर बोला नॉट था हैविंग कि लास्ट यूनिफॉर्म। ईयर का यूनिफॉर्म भी चलेगा, पर वो अंकिता टाइट मैम ने हो गया बोला है, था। पर वो टाइट हो गया है, वो कैसे पहनेंगे? तो आपको न्यू मैं वही ही ले बोल लेना, रहा हूँ कि मैंने भी अगर कोई न्यू ले चेंजेस लेना है, है अगर आपको न्यू यूनिफॉर्म लेने का है तो वो 1-2 दिन में कंप्लीट कर देना। अभी जो बोला है वो इसलिए बोला है कि 1-2 दिन आपको फ्री बैठने देंगे कि कोई बात नहीं चलो, अब नया नया शुरू हुआ है, इसलिए वो विदिन 1 वीक चलेगा, 1 वीक में तो आप सबका यूनिफॉर्म बन जाएगा ना, मैं ऐसा यस। बोल रहा हूँ। सो वी हैव टू ये मेक दैट ब्लेजर वन यूनिफॉर्म और एल्स दैट फ्रॉक वन? ब्लेजर वाला है? नहीं, नहीं, मैंने तो वो मुझे ब्लेजर पता नहीं, वो वाला ली आपका जो थी। यूनिफॉर्म का सेट होगा वो। अच्छा, 8th में जो था वो ब्लेजर हाँ नहीं, वाला? हाँ 8th में? हाँ, एट मैंने में ब्लेजर कल था, आई थिंक ब्लेजर था, मुझे जहां तक याद है ना सब लोग पहनते थे ब्लेजर। यस। तो अच्छा, हाँ अच्छा। फिर बताओ कोई डाउट? नो सर, सर पक्का आई कार्ड तो खो गए। गुम हो गया है क्या? यस नहीं,
कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे पता है, आपके क्लासरूम में से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर सामने जो स्पेस है ना सीएस, वहां से नीचे जाएंगे रचिता मैम के पास, जहां पर रचिता मैम बैठते हैं, उसको बोलेंगे ना तो वो 50 रुपीज का फाइन लेंगे और आपको नया आई कार्ड बना के दे देंगे, ठीक है? ओके सर, हाँ फिर भी कोई टाइम टेबल में अगर चेंजेस है या नहीं है, जो कुछ भी है, अभी आपका लेक्चर खत्म होगा 10:15 को, इसके बाद में आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है? तो तब उसमें ग्रुप में आप चेक कर लेना अच्छे से, जिस तरीके से भी लेक्चर अरेंज किए होंगे आप सबके। ठीक है, आज किसका लेक्चर था आप सबको? कौन सा फर्स्ट सेकंड सेकंड लेक्चर। सेकंड संस्कृत? अच्छा, अंकिता मैम का था, है ना? अच्छा, हाँ, संस्कृत का था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देनी थी इसलिए ये लेक्चर मुझे दिया गया था और मैंने आप सबको बता दिया है। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कल अच्छे से सब लोग आ जाओ यहाँ पर और बढ़िया तरीके से हम जो है आफ्टर 11th मंथ जो एक एटमोसफियर क्रिएट करना है, वो एटमोसफियर फिर से वो क्रिएट कर दें, ठीक है? ओके सर, चलो, और किसी को कोई डाउट बाउट नहीं है ना? ठीक नो सर, है, चलो बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल के लेक्चर में, बाय। ओके सर, बाय।
हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। 10 ऑफ यू? यस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। वाज हाउ मेनी इन द मॉर्निंग? 13-14 वर देयर। So now it is 10. Not much difference, I should say. Right? Yes. Good morning, all of you, Peter. Good Good morning, ma'am. morning. So we start with a satellite. I think I've done this. Slide number 64. Did we do this slide, Peter? Or do we have to do it? Yes. Do we have to do it or we have done it? Girls, any idea? If you're in doubt, then we can redo it. Is that reading? Girls, please start reading better. Yes, ma'am. Can I? Satellite. A satellite is a celestial body that Celestial. celestial body that Celestial, revolves better, around not celestial. celestial body that revolves around that. Celestial. Alicia, I said celestial. Okay, ma'am. A satellite is a celestial body that revolves around a planet. Moon is the satellite of the Earth. Mercury and Venus does not have satellites. The satellites revolve around the planets due to the gravitational pull of the planets. The satellites have no light of their own. They reflect sunlight. So what is satellite? It's a heavenly object or a celestial body or a heavenly body, right? Which is revolving around the planet. You agree? Yes. And what satellite is doing? It is revolving around the planet. So this is sun. Planet is revolving around the sun. Agree? Hello? Yes. And we have the satellite or the moon. It is revolving around the planet. Fine? Fine or not? Yes. So moon is the satellite of the Earth, we all know. There are two planets which do not have any satellite. They are Mercury and Venus. What exactly satellite is doing? It is moving around the planet. Why? Why are they moving around the planet, Beta? Due to the gravitational pull of the Earth. So how satellites move, Beta? They move due to the gravitational pull of the planet. And how planets move? Due to the gravitational pull of the Sun. Hope you have understood. Yes. Hello? Fine. And these satellites, remember, they don't have their own light, but they are shining due to the reflection of sunlight. Got it? Hello? Did you understand this? Yes, ma'am. They don't have their own light, but they are shining with the reflection of the sunlight. Yes, with that. Ma'am, it's coming blur. Should I read it then? If anyone can read it, you can, because boys also read it out. There was no problem as such. Okay, ma'am. Want me to read it? I can read it. Yes. The moon is an astronomical body that orbits planet Earth. Being Earth's only permanent natural satellite,
इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम एंड द लार्जेस्ट अमॉन्ग प्लानिटरी सैटेलाइट्स रिलेटिव टू द साइज ऑफ द प्लैनेट दैट इज ऑर्बिट दैट इट ऑर्बिट्स इट्स प्राइमरी What is moon? It is an astronomical body or celestial body or heavenly body which is moving around or which is orbiting around Earth. This is the only natural satellite and permanent natural satellite that remains with Earth always. Fifth largest natural satellite. Why did we say fifth largest natural satellite? Because we have other natural satellites. They are bigger than moon. Understand? It is bigger than Moon. Which are those? I think you know that. Jupiter's, isn't it? We have Jupiter satellites which are bigger than our Moon. Yes, read better. Following Jupiter satellite. Following Jupiter's satellite. Io. What is the name of the satellite? Io. The moon is second densest satellite among those whose densities are known. The average distance of the moon from the earth is 38,4,400 kilometer. Ma'am, what is this? Or, leave it. Or 1.28 light seconds. Or 1.28 light seconds, the moon is thought to have formed about 4.51 billion years ago, not long after Earth. There are several hypotheses for its origin. The most widely accepted explanation is that the moon formed from the debris left over after a giant impact between Earth and Mars-sized body called Theia. So now how moon is originated? You got it? Yes. Should know how moon has come. It does not come just like that. Something must have happened. And now we got the hypothesis, the taken up hypothesis, the valid hypothesis that it must have formed due to collision. Okay. So after Jupiter's satellite Io, the moon is the second heavy satellite. Okay, beta. Moon from the earth is 1.28 light seconds away. And how moon is formed? Moon is formed maybe when the earth was formed. Just after the earth was formed, moon was formed. But how did it form? The accepted explanation that we know of today is that when there was a giant impact, a huge collision, a huge accident between earth and a Mars-sized body, a Mars-sized object, the space known as Theia. So when there was a collision between Earth and Theia, Moon came out as a debris. You understand now? Yes. This is the explanation. Yes. Read it up. Read. Moon. The moon is the Don't waste time, beta. Natural satellite of the. Yes, ma'am. Ma'am, I did. Yes. Be louder. Yes. The moon is the natural light of the earth. Moon is the closest celestial object to the earth. It takes 29.5 days for moon to rotate the earth. The surface of the moon is covered with hard and loose dirt, creates craters and mountains. What happened?
there is no air and water, life is impossible on the moon. Surface. What is moon? It is a natural satellite. And this is the closest heavenly object to the earth. How many days it takes for 1 month? For rotating around the, or for revolving, it should not be rotate, remember, this is revolving. It should be better, revolve. So when, how many days it takes? Almost 30 days. So in 1 month, how many days we have? 30 or 31 days, remember. So it is taking so many days to move around the earth. The surface of the moon may be very hard or may be loose with dirt. It has got craters. You know what are these called? Saucer shaped structures. These are called as craters. And we have mountains also on the moon. But there is no atmosphere. Why? Because there is no air. Also, there is no presence of water. So do you think there will be life better? No. There will be no life on the moon. Understood, all of you? Yes. So what is moon? Moon is bigger than Pluto. You know what is Pluto? Pluto was the planet earlier. Now it's no more. It is used as, or it has been noted as dwarf planet. But you can understand that moon is even bigger than Pluto. This is Earth. This is Earth. And this is moon. Got it, Bitter? This is the only object where a human being has landed. In the space or in the solar system, this is the only heavenly body where human has landed or human has visited. One lunar month is of 30 days or 31 days. That means from one new moon to another new moon, this is 1 month. Got it? Hello? Yes. Yes, fine. Yes. And yes, ma'am. The gravitational pull, which that moon is created on Earth, we get the high tides and low tides in the ocean. Do you know that? The tides that we get in the water, the huge waves, the big waves we get. So what is the tides? The sometimes water comes on the beaches, sometimes water goes inside the sea. Have you observed that? So when the water recedes or goes inside the sea, exposing the rocks, the bottom of the sea, that is called as low tide. And when the wave comes on the beaches, on the coast, it becomes high tide. Is it clear? Why is this happening? Due to the gravitational pull of the moon on Earth. Over here, this is the surface of the moon, and this is called as crater. What is this called, Vita? Crater. This is how the moon looks like. Okay. Who are the people on the moon? Let's see. Hello. Man and moon. On the moon. Man on moon. The first man to land on. Yes, ma'am. Man on moon. The first man to land on the moon was Neil Armstrong, followed by Edwin Aldrin, and the last one, Michael Collins of USA. They were a crew of Apollo 11. Apollo 11. They landed on July 1969. So who were the people on moon? Three people were in Apollo 11, which landed in the year 1969 on moon. The first man to put the foot on moon was Neil Armstrong. And then Edwin Aldrin got down. And the last one to follow was Michael Collins. He was of USA. You see this? They were the people. Got it? Here is the landing on moon. Yes. What is it? Obviously, what are the phases of moon and what is moon's light? Yes, great.
phases of moon and moon's light. We are able to see the moon because the sunlight falling on the moon reflected towards the earth. The day on which the moon is not visible is called the new moon day. The day on which the whole bright disk of moon is visible to us is called the full moon day. We have one new moon and one full moon day during a month. This is full moon, Vita. During a month. As moon revolves around the earth once every month and moves around the sun along with earth, different amounts of its sunlit surface are turned towards the earth in led mem dikhnera blur ho gayi screen to change in the appearance of moon and formation of phases of the moon. Someone is talking. Why do we see the moon? Why? Because sunlight is reflected. You understood now? Sunlight is reflected from the moon to earth, so we can see the moon. When we do not see moon in the sky, it becomes new moon day. What it becomes with a new moon day. And we can see the whole bright disk of moon, that becomes full moon day. What it becomes with a full moon day. Full moon. And the duration of one moon to another new moon, one new moon to another new moon, that becomes a month. One full moon to one full moon, 1 month. One new moon to one new moon, 1 month. Understood better? Hello? Yes, ma'am. Yes? So moon is doing what? Moon is revolving around the earth every month. Agree? And along with revolving around the earth, it is also moving around the sun. Agree? Along with the earth, it is moving around the sun also. Yes or no? So what you get? You get different amounts of light falling on it. So you see phases of moon. What you see now? Phases of moon. Sunlight. Agree? Yes. This is sunlight. This is earth. Yes. And this is moon. Now here it is daytime. And here it is night time. Fine? Say yes or no, something better. Yes, yes. All of you understanding or not? Yes. Okay, the one which is facing towards the sun is got daytime. Like now we are in the daytime. But in European country, America, it may be night time. Got it? Yes. Now, the moon is moving around the earth, right? And the earth is moving around the sun, right, Beta? Yes. And the moon is moving. When the moon is moving around the earth, you can see the light, the sunlight, which is towards the sun. The portion which is towards the sun gets reflected, and we can see the phases of the moon. Got it? Yes, ma'am. You can see the phases. Over here, there was no moon. What was that, Beta? No moon. That means there was no one day where you could not see the moon in the sky. That is called no moon. And then you get a crescent shape. This is which shape, Beta? Crescent. That is called equator. Remember? And then it becomes gibbous. So this is called as waxing. Then this becomes full moon. Agree? And it is decreasing. So this is called as waning. What it is called as, Beta? Waning. Afterwards it becomes new moon. When you will not see the
moon in the sky. Is it clear to you? So Yes. new moon, waxing, full moon, waning, again new moon. You understand? Yes. So again, here is sunlight, and this is the earth, and this is the moon. Understood? Hello? Yes. Understood? Fine. Now see. The new moon day. Obviously, during the daytime, and this is the night time. Is the moon available? No. And in the sky, at that time, there's a new moon because moon is not available. So it becomes new moon. And then what happens? See, it starts growing. This is one, this is two, and this is three. So what is happening? Waxing. What is happening with a waxing? It is growing big. And then it becomes full moon. You agree? Hello? Yes. Agree? So it becomes full moon. Now see what happens. Yes. After full moon, it starts waning. What it becomes? Waning. So one, two, and three. Can you see this? The size is decreasing better? Yes. This is how the phases of the moon we get. Any problem? No, ma'am. Obviously, journey around and between stars. This is called as galaxy. Can you see this? Yes. This is called as galaxy. Yes. Now you see what are the members of solar system. Please read. Some other bit, members. A bit faster. Yes, ma'am. Some other members of solar system. In addition to the sun, planets and satellites, the solar system also includes asteroids, comets, meteoroids and artificial satellite. So the other members of the solar system are what? We have always studied sun. Keep on saying yes if at all we have studied. We have studied sun. Have you studied sun better? Yes. Yes. Planets? Yes. Satellites? Yes. Satellites? Yes. So we are thorough about it. So what are we going to study? Asteroids. Asteroids. Comets. Meteoroids and artificial satellites. This is what we are going to study. Now we'll first study what are asteroids. Continue. Asteroids are minor planets, especially those of the inner solar system. The large ones have also been called planetoids. These terms have historically been applied to any astronomical object orbiting the sun that did not show the disk of a planet and was not observed to have the characteristics of an active comet, as mirror planets in the outer solar system were discovered and found to have volatile base surfaces that resemble those of comets. They were often distinguished from asteroids of the asteroid belt. In this article, the term asteroid refers to the minor planets of the inner solar system, including those co-orbital with Jupiter. So what exactly are asteroids? These are supposed to be planets, but they did not become planets. Did you understand? Hello? Yes. Can you hear me? Yes. They are supposed to be like planets actually, but they did not become planets. Got it now? So hence they are called as minor planets. What are they called as? Minor planets. Okay? Yes. Now, these are orbiting the sun, you agree? Yes. This is orbiting the sun. Yes. What are we going to talk about? The asteroids of the asteroid belt. What are we going to talk about?
एस्टेरॉइड्स ऑफ द एस्टेरॉइड बेल्ट. बेल्ट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइनर प्लैनेट्स ऑफ द इनर सोलर सिस्टम, ओके, व्हिच इज मूविंग अलोंग विद जुपिटर. स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कैन यू सी दिस? These ones, all these are asteroids. You got it now? All these things which are moving, they are called asteroids. This is in the belt. Many asteroids you will find in a belt. Yes, but a street. Yes, ma'am. Yes. Asteroids. Asteroids are the small celestial objects which revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter. Asteroids are also called minor planets. Minor planets. Asteroids are the member of our solar system. Astronomers believe that asteroids are the pieces of matter that were formed at the same time as the rest of planets which somehow could not assemble to form a major planet. What are asteroids? Small heavenly bodies which is revolving around the sun. And where do you find? Between Mars and Jupiter. Where are you finding beta? Between Mars and Jupiter. Can you see this? This is Mars, the red, and this is Jupiter. Got it? So this is the belt that you have. This is the asteroid belt. So in between the two planet orbits, there's the Mars and Jupiter, we have the asteroid belt. This much have you understood? Yes. Fine. Now, these are also named as minor planets. Okay? And these are a part of our solar system. What astronomers thought? That actually asteroids are made up of pieces of matter which will form sometime when the planets were formed. So asteroids were formed when the planets were formed. And this failed to become a planet. That's why it is called as minor planet. You understand? Girls, did you understand? Yes, ma'am. These objects were supposed to be planets better, to be grouped like planets, but they failed. They could not. So this is called as minor planet. Or asteroids. Any problem? No, ma'am. So where do you find this asteroid belt, beta? Between Mars and Jupiter. This is what you have to remember. Between Mars and Jupiter. And what it has? It has irregular shaped chunks. What is the meaning of chunks, beta? Pieces. What is the meaning of chunks? Pieces. This is a new word that you have understood. And debris. Debris is unwanted stuff. This is called as asteroids. And these are made of rock and metal. And usually it is nickel and iron. This is metal called as nickel or iron. So asteroid is made up of nickel and iron. Any problem? Hello? No. No, any ma'am. Problem with her? No. These are the asteroids. Can you see this better? The pieces, can you see the pieces? Can you tell me what is this? What is that better? Can you see? Mm-hmm. Yeah, what is that called as? Sun. This is sun better. Sun. And these are asteroids. Can you see that? The belt. There's just so many asteroids. Understood, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here you can see asteroid. This is how it looks. It is moving in the solar system. And see, this is an impact. It may fall on the earth. Do you see this? What happens? It may fall on the earth. So asteroids is over. Hope you have understood regarding asteroids. Yes. Now we'll talk about comets. What are we going to talk about, beta? Comets. Comets.
Comets are very small celestial objects made of gas and dust, which revolve around the sun in highly elliptical orbits and become visible only when they come close to the sun. Comets are smaller than asteroids. The period of revolution of a comet around the sun is very, very large. Halley's comet has a period of revolution 76 years. It is now. The comet comes every 76 years. Can you imagine? If I get one comet today, it will come after now 76 years. So the life of a comet is after 76 years. You understood? Yes. Okay. It is last seen in 1986. Now you have to add 76 to it, and the next comet will be shown at that time. Next. Continue, Beta. What happened? Okay, ma'am. Why you stop? Ma'am, my net was slow. Each comet, it is last seen in 1986. Each comet revolved around the sun in its own orbit. What are comets now? Any problem regarding asteroids, Beta? Hello? Do you have any problem regarding asteroids? What we learned just no, now? No, ma'am. Right. Now we are going to learn about the second heavenly object, as comets. These are very small heavenly bodies, usually made up of gas and dust. And what it is doing? It is revolving around the sun. In which orbit, Beta? Elliptical orbit. Which type of orbit? Elliptical orbit. Got it now? And it is only observed when it is coming close to the sun. If it is away from the sun, you cannot observe it. But it is only observed when it comes close to the sun. This much have you understood? Hello? Have you understood this much? Hello? Can you hear me, Beta? Yes. Yes, yes? Ma'am. And they are smaller than asteroids. Comets are smaller than asteroids. The time of comet to move around the sun, that is called revolution, is huge. How much time it is taking? 76 years. Okay? And the Halley's Comet, the name is Halley's Comet, had come in 1986. Now it will come after 76 years. And every comet has got their own orbit. What did they say? Every comet has its own orbit. You got it? This is how it looks like. Can you see this? This is the comet. Please better read. Okay, now Delisa, can you start reading? And make it fast. Delisha? Delisha, can you hear me? Girls, can you hear me? Girls, can you hear me better? Hello? Hello? Girls, better, can you hear me? Hello? Yes, ma'am. Yes, read better. Hello, read. Yes, ma'am.
कॉमेट And इज एन this is आइसी first. स्मॉल स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडी दैट व्हेन पासिंग क्लोज टू द सन वॉर्म्स एंड बिगिंस टू इन्वॉल्व इवॉल्व गैसेस अ प्रोसेस कॉल्ड आउट गैसिंग What is दिस happening? प्रोड्यूस This comet is made up of ice. What is made up of it? Ice, right? आइस Yeah. And when it is coming close to the sun, obviously the ice will start melting. It will become warm. Yes or no? And then it will turn to जी gases. This process is known as outgassing. I'm giving you extra information again, beta. It is known as outgassing, right? Then what happens? This produces. दिस प्रोड्यूसेस अ विजिबल एटमोसफियर और कोमा एंड समटाइम्स ऑल्सो अ टेल दीज फिनोमिना आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन एंड द सोलर विंड एक्टिंग अपॉन द न्यूक्लियस ऑफ द कॉमेट कॉमेट न्यूक्ली रेंज फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू टेंस ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस एंड आर कंपोज ऑफ लूज कलेक्शंस ऑफ आइस डस्ट एंड स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स द कोमा मे बी अप टू 15 टाइम्स द अर्थ डायमीटर व्हाइल द टेल मे स्ट्रेच वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इफ सफिशियंटली ब्राइट अ कॉमेट मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विदाउट द एड ऑफ अ टेलीस्कोप लेंस मे सबटेंड एन आर्क ऑफ 30 डिग्री 60 मून्स अक्रॉस द स्काई कॉमेट्स हैव बीन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड सिंस एंशियंट टाइम्स बाय मैनी कल्चर्स Thank you, Vita. So I told you what is comet made up of. You know that. Okay. So it has got a coma and it has got a tail. So what is coma? Coma is a big this one, and a tail is a tail. I hope you know understood. So this is how the comet looks like. Okay. Now, why this is happening? This is due to solar radiation and the solar wind, which is happening, which is working on the nucleus of the comet. From where it has evolved. This nuclei can be ranging from 100 meters to kilometers. Okay? And what it is made up of? It is made of ice, dust, and small rocky particles. And this coma can be as huge as 15 times of Earth's diameter. Can you imagine? That means 15 times the Earth would be the nucleus of the comet. You understand? Now, if it is very bright, it can be seen from the Earth. Naked eye. You understood better? Hello. And this has been recorded since ancient times. Now, see over here. You see this elliptical orbit? This is the elliptical orbit. Can you see this? This is elliptical orbit of Halley. So when I will see the Halley, if at all I survive, 2024. When this Halley will be seen better, comet 2024. You understood now? Oh, yes. You can see the orbits of all the planets around the sun. More to it, can you see over here? Yes. This is the elliptical orbit, see. And this is the comet. Can you see this? Yes. Moving like this, and it's going like this. This is how beautiful it is, see. This is the nucleus, and this is a tail. Can you imagine? Yes, beta. This is the Halley's Comet. This is how it looks Yes. inside. So we are through asteroids, we are through comet. Now we are going to work on meteoroids. Please read. Make it fast, but I want to wind it.